بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين। हमारी गुफ्तगू किताब उल मकासिब के दूसरे हिस्से किताब उल बै के मबाहिस में जारी है और आज के इस दर्स का इनवान दूसरी तंबीह इजाज़े में लफ्ज़ की शर्तियत से गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा कि इस तंबीह को हम बयान कर रहे थे इस मौजू में कि आया इजाज़ा जो लाजमी है उसमें लफ्ज़ होना ज़रूरी है या नहीं, नफ्से रज़ा किफ़ायत करता है। तो पीछे जो मबाहिस हमने बयान किए वो इस तनाजुर में थे। आज के इस दर्स के अहम मतालिब उसी साबिका दर्स के तसलसल में रिज़ायत बातनी का काफ़ी होना और इस सिलसिले में दलील और इस्तदलाल जो बयान किया जा रहा है, मज़ीद इस सिलसिले में आगे गुफ्तगू को आगा शेख अंसारी बढ़ाते हैं और फिर कुछ अहम नुकात के हवाले से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो इस तरह आज के हमारे इस दर्स में पहला मतलब कि रिज़ायत बातनी के काफ़ी होने के हवाले से जो गुफ्तगू जारी की जा रही है उसमें आगा फरमाते हैं गुज़िश्ता दर्स से मुर्तबित ये मसाला कि सुम इन वाहिर अन कुल मन काल अब किफ़ायत अलफ़ेल अलकाशिफ़ अन रवा काकल थमन व तमकीन ज़ौजा। फरमाते हैं कि जो बात ज़ाहिर है कि हर वो शख्स के जो कहता है कि फ़ेल काफ़ी है, वो फ़ेल के जो काशिफ़ रिज़ायत से, जैसे मसलन वो मालिक असली समन को खा ले अगर खाने पीने वाली चीज़ों में से है, या मसलन अक़्द निकाह में वो खातून तमकीन के लिए आमादा हो जाती है, तो ये फ़ेल है दरवाके उनका और ये फ़ेल इसको काफ़ी जाना जा रहा है रिज़ायत के हवाले से। तो फरमाते हैं कि अन कुल मन काल अब किफ़ायत अलफ़ेल इक्तफ़ा बही मिन जहत रज़ा अलमदलूल अलैहि बही, जो भी इस तरह की बात करता है तो आप फरमाते हैं कि वो इसे काफ़ी जानता है किस उनवान से, रज़ा की जहत से, रज़ा के पहलू से, अलमदलूल अलैहि बिही के जिस पर दलालत इसी फ़ेल के ज़रिए है, यानी उसका ये फ़ेल चूँकि रज़ा को वाज़े कर रहा है लिहाजा वो इसे काफ़ी जानता है। ला मिन जहते सबबियत अलफ़ेल तअब्बुदन, ऐसा नहीं है कि फ़ेल जो है वो तअब्बुदी और शरई तौर पर कोई मौजूदियत रखता है, सबबियत रखता है, उस पहलू से इसको काफ़ी जाना जा रहा है, नहीं बल्कि ये फ़ेल चूँकि काशिफ अज़ रज़ा है और उसी जहत से इसको काफ़ी जाना जा रहा है। बस मिलाक जो है वो रज़ायत है और वो फिर जिस तरीके से भी वाज़े और रोशन हो जाए। वक़्त सर रहा गैर वाहिद, और बहुत सारे फुकहा ने तसरी की है बे अन्नहू लौ रज़ियल मुकरह बेमा फ़अलहू सहा, कि मुकरह जिस पर इकराह किया गया किसी मामले के अंजाम पर और वो मामला उसने इकराही हालत में अंजाम दिया, लेकिन यही मुकरह जो है वो राज़ी हो जाता है बेमा फ़अलहू उस मामले से जो उसने अंजाम दिया था। फरमाते हैं कि सहा, अगर वो राज़ी हो जाए तो फुकहा कहते हैं कि उसका ये अक़्द और ये मामला दुरुस्त है। वलम युअब्बिरू बिल इजाज़ा, जो अहम बात है यहाँ पर वो ये कि वो इजाज़त से इबारत नहीं लाते, ताबीर नहीं करते इजाज़त से, बल्कि कहते हैं कि लौ रज़िया बेमा फ़अलहू सहा। तो यहाँ पर ताबीर इजाज़त की नहीं है ताकि हम कहें कि इसका ज़ुहूर इजाज़ कौली में है और फिर लफ्ज़न वो इजाज़त दे रिजायत दे, नहीं, रज़िया का कलिमा इस्तेमाल किया, ताबीर इस्तेमाल की, और यहाँ पर ये ख़ुद हमारे उस मतलब में एक शाहिद बनता है। वक़्त वरद फ़ी मन ज़व्वजत नफ्सहा फ़ी हाल सुख्र, इस तरह मसलन वो वारद हुआ वो रिवायात फ़ी मन उस हवाले से उस खातून के सिलसिले में कि जिसने ख़ुद को इज़्दिवाज में दिया, अब तक किस हालत में, हालत सुक्र में, बेहोशी की हालत में उसने अपने आप को हवाले किया एक अक़्द इज़्दिवाज में। अन्नहा इज़ा क़ामत अक़ामत माहू बअदमा अफ़ाक़त, वारद हुआ इस सिलसिले में रिवायात के अंदर क्या चीज़, ये मतलब कि अगर जब वो खातून जो है वो उसी मर्द के साथ ज़िंदगी करे बअदमा अफ़ाक़त, जब वो इफ़ाक़ा हो उसको इस हालत बेहोशी से, वो होश में आ जाए और फिर वो होश में आ जाने के बाद उस मर्द के साथ रहना शुरू करती है, ज़िंदगी करती है, तो यहाँ पर क्या वारद हुआ है कि फ़ज़ालिका रज़ा मिन्हा, कि ये उसी की जानिब से रज़ा है, यानी उसका ये रहना रज़ायत हिसाब होता है उस आक़द की निस्बत। अब आप इसमें देखें कि ये उसका रहना जो कि न तो कौल है उसकी जानिब से और न ही कोई
फेल है कि जो उसकी जानिब से सादिर हो रहा हो, जैसे तमकीन वगैरह है, बल्कि वो वहाँ पर रहना चाहती है उसी मर्द के साथ इस इफाके के बाद। तो इसको क्या जाना गया है, इसी मतलब को, इसी हवाले से आप कहते हैं कि इसको रिजायत हिसाब किया गया है। अब यहाँ पर ये अगर अलग बात है कि ख़ुद इस रिवायत के हवाले से भी मुनाक्षा है कि जब वो बेहोशी की हालत में है तो किस तरह से उसका वाक़ दुरुस्त था। तो यहाँ पर तौजीहात की गई है कि ख़ुद उसने अक़्द ना पढ़ा हो, किसी और ने फजूली तौर पर अक़्द पढ़ा हो और वो इसी मस्ती की हालत में हो, या ख़ुद उसने अक़्द जो है वो पढ़ा हो इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर मस्त हो जाए। तो बहरहाल तौजीहात मुख्तलिफ़ यहाँ पर की गई हैं, हम उन तौजीहात की तरफ नहीं जाते। शायद मिसाल यही था कि फ़ज़ालिका रिज़न मिन्हु, ये उसकी जानिब से एक रिज़ायत है। वह आरफ़ था ऐज़न, फरमाते हैं कि नीज़ आपने जाना इस्तिदलालहुम, इन फुकहा का इस्तिदलाल अला कौन अल इजाज़त काशिफ़तन, इस बात पर कि इजाज़ा क्या है, काशिफ़ा है, बे अन्नल अक़्द मुस्तज़म लिश्शराइत अदा रिज़ल मालिक, कि ये फुकहा इस तरह दलील कायम कर रहे थे कि फजूली की सेहत पे कि इजाज़ा काशिफा है कि अक़्द मुस्तज़म है तमाम शराइत को, मगर अगर कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, किस चीज़ की कमी है, तो वो मालिक की रिज़ायत है। तो यहाँ पर भी रज़ा का लफ्ज़ और वो ताबीर इस्तेमाल हो रही है। फ़ैज़ा हसला अमल सबब अत्ताम अमलहू, फरमाते हैं कि अगर ये रज़ा हासिल हो जाती है तो सबब ताम अमल अंजाम देगा अपना अमल, जो उसका काम है यानी जो उसकी तासीर है वो फिर हासिल होना शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पर भी जो नुक्ता अहमियत का हामिल है वो ताबीर है जो इस रज़ा की यहाँ पर बयान की गई है। तो ये तमाम शवाहिद बयान करने के बाद आगा शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वबिल जुमला फद्दा वल इजमा फिल मसअला, कि इन तमाम शवाहिद के बाद खुलासा ये है कि वो जो इजमा का दावा है कि जिसके अंदर लफ्ज़ को लाजिम जाना गया इजाज़े के अंदर, फरमाते हैं इस मसले में दू नहा खरतुल कतात, कि ये इजमा का दावा इससे खरतुल कतात आसान है, यानी ये उससे भी सख्तर है कि इस इजमा को साबित किया जाए। खरतुल कतात यानी कांटेदार दरख्त को जो है उसके ऊपर से हाथ फेरा जाए और यूं कांटों को जो है नीचे उसे जुदा किया जाए, तो ये खरतुल कतात है, यानी जो है इस तरह के कांटेदार दरख्त से उन कांटों को जुदा करना और वो भी ऊपर से हाथ को फेरते हुए नीचे की तरफ आना कितना सख्त होता है। आप फरमाते हैं कि इस खरतुल कतात से भी सख्तर जो काम है, वो जो अमल है, वो ये इजमा की दावा को साबित जानना है। तो बहरहाल इन शवाहिद को दलील बनाते हैं इस बात पर कि रिज़ायत बातनी किफ़ायत करती है, उसका एहरास किफ़ायत करता है। वही नज़िन फ़लूमूमात अलमुतमसक बेहाल सेहत अलफजूली, इस सूरत में आगा फरमाते हैं कि वो तमाम तर उमूमात के जिनसे तमस्सुक किया गया इस फजूली की सेहत के लिए, असालमत अनवरूद मुखस्सिसन अलैहा, वो तमाम उमूमात के जो सालिम भी हैं कि उन पर कोई मुखस्सिस वारद हो और इस फजूली के मामले को इन उमूमात से खारिज कर दे, अदा मा दल्ला अला एतबार रिज़ल मालिक, मगर वो रिवायात जो अदल तीब नफ्स के उनवान से दिलालत कर रहे थे मालिक की रिजायत के एतबार पर, फ़ी हल माल ही व इंतकाली अलगैर, उसके माल की हिलियत के हवाले से गैर की तरफ उसके माल के इंतकाल के सिलसिले में, व रफ़ सल्तनत ही अन हो, ख़ुद उस मालिक की अपने उसके माल से सल्तनत की रफ़ में उसकी रिजायत, इन के एतबार पर ये जो दलालत रिवायात और ये जो दलाइल दलालत कर रहे थे ये मुखासिस बन रहे थे कि सेहत फजूली को मौकूफ़ कर रहे थे किस पर, रिजायत के हसूल पर। तो आप फरमाते हैं कि यहाँ पर ये तमाम उमूमात और जिससे तमसुक किया गया, अकवा हुज्जतिन फिल मकाम, ये ख़ुद क्या है, कवी तरीन दलील है हमारे इस मुरद बहस मसले में और हमारे इस दावा के हवाले से कि ख़ुद नफ्स वो रज़ा किफ़ायत करती है, कि तीब नफ्स की जितनी दलाइल थी उन्होंने रज़ायत मालिक को मोतबर जाना, और यहाँ पर किसी भी एतबार से हमारे पास दलील मौजूद नहीं है कि जो इस इजाज़े को और इस रज़ायत को कौली या फ़ेली तौर पर दलील के तौर पर यानी साबित कर रहा हो, ऐसी कोई दलील हमारे पास इस पर नहीं है। मुवाफ़न इला मावरदा, फरमाते हैं कि इसके अलावा वो तमाम रिवायात के जो वारद हुई हैं, फ़ी इद्दत अखबार, वो मतालिब के जो चंद रिवायात के अंदर जिक्र हुए, मिन अन्न सुकूत अलमौला बाद इल्म ही बेतजवीज अब्द ही इकरार मिन हो लहू अलैह, कि मौला का जो सुकूत है, आका का जो सुकूत है इस बात के इल्म के बाद के
अब्द ने जो है वो खुद तजवीज का अमल अंजाम दिया है और उस नकद निका अंजाम दिया है अब मौला के इजाज़ के बग़ैर, और मौला इस तजवीज की नस्बत आगाह होने के बाद साकित हो जाता है। सुकूत मौला बाद इल्म ही बे तजवीज, इस तजवीज की नस्बत आगाही के बाद उसका ये सुकूत इकरार मिन हो लहू अलैह है, इकरार है मिन हो उस मौला की जानिब से लहू उस अब्द के फ़ायदे में अलैह इस अमर निका और तजवीज पर। तो यहाँ पर आप देखें कि लाजिम नहीं है कौल या फेल, नफ्स से ये सुकूत क्योंकि इकरार और रेजा हिसाब हो रहा था इसे काफ़ी जाना गया। वमा दल्ला अला अन्ना कौल अल मौला लिअब्द ही अल मुतज़व्वज मुतज़व्वज बगैर इज़्ने ही, और इस तरह वो तमाम रिवायात जो दलालत करती हैं इस बात पर कि मौला का कौल अपने अब्द के लिए कि जिसने अक़्द इज़्दिवाज अंजाम दिया अपने मौला के इजाज़ के बग़ैर, उसके लिए मौला का ये कौल कि जब आकर उसे कहता है कि तल्लिक यानि तलाक जारी कर, यदुल्लु अला रिज़ा दिलालत करता है रज़ा बिन निकाह पर, चूँकि तलाक ये तल्लिक का जो कलाम है ये दिलालत इक्तज़ा से दिलालत कर रहा है इस बात पर कि वो निकाह को नाफिज़ जानता है, निकाह को यानि जो है वो नाफिज़ कर रहा है, उसको इमज़ा कर रहा है, और उसके बाद ज़ाहिर है ये तलाक मुअस्सर वाक़ हो सकती है। तभी कहते हैं कि तल्लिक ये उसका जो कलाम है तल्लिक यदुल्लु अला रिज़ा बिन निकाह, और ये दिलालत कर रहा है कि निकाह की नस्बत उसकी रिजायत पर, फ़यसीर इजाज़तन, और यही कलाम उसका तल्लिक जो दिलालत इक्तज़ा से रिज़ा बिन निकाह पे दलील है, ये ख़ुद इजाज़त बनती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी देखें मिलाक और मिनात रिजायत है, और ये रिजायत कैसे एहराज हो रही है, इसी मौला के कलाम तल्लिक से उसका एहराज किया जा रहा है। वअला अन्ना अलमान मिन लुज़ूम निकाह लाब बिदून इज़्न मौला हो मअसियतुल मौला अल्लज़ी तरतफ़ बिर्रिज़ा, और इस तरह वो तमाम मतालिब और रिवायात जो इस बात पर दिलालत कर रही थी कि माने क्या है यहाँ पर, माने लुजूम निकाह अब्द से अपने मौला की इजाज़त के बग़ैर मासीयत मौला है, वो नाफरमानी है अपने आका की, वो माने है अल्लज़ी तरतफ़ बिर्रिज़ा कि जो मुर्तफ़ा हो रही है किससे, रज़ा से, और रज़ा जब वो राज़ी हो जाता है तो वो माने हट जाता है और मामला दुरुस्त पाता है। तो यहाँ पर भी वो रज़ा है जो मिनात और मिलाक करार पा रही है। वमा दल्ला अला अन्न तसर्रुफ़ मिन ज़िल्खियार रिदन मिन हो, और वो तमाम रिवायात जो दिलालत करती हैं इस बात पर कि तसर्रुफ़ साहिब ख़ियार से उसकी जानिब से रज़ा हिसाब होता है, यानी अगर बाय को ख़ियार हासिल है और वो ख़ियार एमाल नहीं कर रहा और वो तसर्रुफ़ कर रहा है उस समन में जो मुश्तरी से उसकी तरफ पहुँचा है, तो ये तसर्रुफ़ उसकी जानिब से असल मामले की नस्बत रज़ा हिसाब होती है और उसका ख़ियार साकित हो जाता है वग़ैरह ज़ालिक। और उसके अलावा बहुत सारे और शवाहिद मौजूद हैं इस मतलब पर कि जो शवाहिद बयान कर रहे हैं कि रज़ा जो है यहाँ पर मोतबर है, फिर वो रज़ा किस तरीके से भी हासिल हो रही हो। इसके बाद चंद एक अहम नुकात की तरफ आगा इशारा फरमाते हैं कि बाकी अफिल मकाम, इस मकाम पर एक चीज़ जो बाकी रह जाती है जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो ये कि अन्नो विदा कुलना बेआदम एतबार इनशा इजाज़त बिल लफ्ज़, जब हमने कहा कि लफ्ज़ के ज़रिए इनशा इजाज़त मोतबर नहीं है, वह किफ़ायत मुतलक रज़ा, और हमने ये कहा कि मुतलक रज़ा काफ़ी है, अविल फ़ेल अद्दाल अलैह है, या फ़ेल जो इस पर दिलालत करता हो किफ़ायत करता है, तो फ़यम बगी अन युकाल, यहाँ पर ज़रूरी है कि हम ये कहें यानी ये कहा जाए बे किफ़ायत वुकू मिसल ज़ालिक मुक़ारनन लिल अक़्द औ साबिक़न, के काफ़ी है इसी तरह की चीज़ जो है जब वो मुक़ारन हो अक़्द के या उससे पहले वो चीज़ तहक़्क़ पाती हो तब भी किफ़ायत करती है। चूँकि अभी तक जो हमारी बहस थी वो वहाँ पर थी कि जहाँ पर मालिक असली उस मामले फजूली से बेखबर है और बाद में वो उसकी रिजायत एराज हो रही है, तो हमने कहा काफ़ी है। तो अब जब हमने कहा कि इजाज़त में लफ्ज़ मोतबर नहीं है, मुतलक रज़ा काफ़ी है, तो जहाँ पर मालूम है कि मसलन आकद के मुकारन है इस तरह की कोई रिजायत या इस तरह कोई फ़ेल, तो वो क्या होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। लिहाजा बस फ़ैदा फ़र्ज़ ना अन्नहु उलिमा रिज़ा मालिक बिकौलिन औ फ़ेलिन, जब ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि मालिक की रिजायत मालूम है कौली उसकी रिजायत जो है, औ फ़ेल या फ़ेल के उनवान से कि उसका फ़ेल जो है वो रज़ा पर दिलालत करने वाला मौजूद है, यदुल वाला रज़ा हो जो दिलालत कर रहा हो उसकी रज़ा पे, बे बे माल ही उसके माल की बे की नस्बत यानी उसके माल को अगर बेचा जाए तो वो राज़ी है इस मसले पे, कफ़ा फिल लुज़ूम, फरमाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि यूँ रज़ायत मालूम हो जाए मालिक की बे कौल और बे फ़ेल, तो कफ़ा फिल लुज़ूम, लुज़ूम में क्या है ये काफ़ी होना चाहिए। ले अन्न मा युअस्सिर
बिलहूक ही युअसर बे मुकारनत ही बे तरीके नौला। चूँकि जब आप लहूक से इसकी तासीर जानते हैं, इसको मुअसर जानते हैं, तो फिर यही चीज़ मुकारन होने की सूरत में बे तरीके औला मुअसर होनी चाहिए, यानी वो फेल जो बाद में रिजायत पे दलील बन रहा है और वो लाहिकन आ रहा है और आप उससे रिजायत को एराज़ करते हुए काफ़ी जान रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? जब ये फजूली मामला कर रहा है उस मामले से पहले या मामले के वक्त मुकारन इस तरह का फेल कोई मौजूद हो उस मालिक का जो दिलालत कर रहा हो इस बात पर कि उसके माल को बेचा जा सकता है और वो राज़ी है, तो यहाँ पर बेतरीके औला वो मुअसर होना चाहिए। लेकिन मुश्किल कहाँ पर है? फरमाते हैं कि वाहिर अनहाब ला यल्तज़िमून बिज़ालिक, ज़ाहिर ये है कि उलमा फुकहा इसी से मुल्तज़िम नहीं है, यानी वो इस रिजायत साबिक को इस तरह से काफ़ी नहीं जानते और वो कहते हैं कि बाद में इजाज़त का आना कौली या फ़ेली ज़रूरी है, लिहाजा अगर पहले से आपको मालूम हो जाए किसी तरीके से उसकी वो रिजायत तो वो किफ़ायत नहीं करती। तो इन फुकहा की मबना के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि इजाज़ा कौली होना चाहिए, लिहाजा वो उनकी उस मबना के मुताबिक वो इससे मुल्तज़िम नहीं होते। फमुक्तदा वालिक, इसका मुक्तदा क्या है? अन ला यसह अल इजावा इल्ला बिमा लो वका कबल अल अक्द कान इज़्नन मुखरजन लिल बै अन बै अल फुजूली। इसका मुक्तदा यह है कि बस इजाज़ा दुरुस्त नहीं है मगर उस चीज़ की नस्बत के जो अक्द से पहले वाक़ हुआ, कान इज़्नन मुखरजन लिल बै अन बै अल फुजूली, वो दरवाक़े एक इज़्न है कि जो मुखरज है उस बै को बै फजूली से। अगर आप ये जब मुल्तज़िम नहीं होते उस रज़ा साबिक के हवाले से, तो आप फरमाते हैं कि इनका मुक्तज़ा इस तरह से है। इसी सिलसिले में आप फरमाते हैं कि इसके मुअय्यदात भी हैं और मुअय्यदात को और मज़ीद इसकी तफसील जो है वो अगले दर्स के अंदर हम बयान करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।